तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे फिर से कमांडो टाइटल। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी अच्छी तरह समझाऊंगा कि मैं कमांडो टाइटल कैसे करता हूँ और आप भी इसे फॉलो करके इजीली कमांडो टाइटल कैसे लें। मैं जैसे करता हूँ आप बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ कमांडो टाइटल के बारे में, शायद वो आपने देखी भी हो। तो एक और न्यू वीडियो है ये, इसके साथ मैं आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे करना है, कैसे जोन टू जोन चलना है और बाकी सब कुछ, चेहरा वगैरह सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। तो बने रहे वीडियो के साथ। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर एक लाइक कर दो। अगर आप चैनल में न्यू हो तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो उतर चुके हैं हम विलेज की साइड, विलेज नहीं, ये है विस्टा। हाँ यार सॉरी, विस्टा के साइड उतर चुके हैं। और उतरते हैं, हमें M4 और DP मिल चुकी है। मैं थोड़ी इधर लूटा करता हूँ। Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. लूट लट हो जाती है कंप्लीट। और मैं जा रहा था यहाँ कैनियन की साइड जा रहा था और मुझे अभी बोट का साउंड आता है पीछे से। तो इसको फिनिश करके मैं निकलता हूँ कैनियन की साइड। आपको मैं पहले ही बता दूं, कमांडो टाइटल के लिए आपको प्लैटिनम टीयर से होना होगा अबव, या प्लैटिनम टीयर पर ही होना होगा। इससे नीचे होगा तो आपका चिकन डिनर नहीं गिना जाएगा। आप जितने मर्जी चिकन डिनर कर लो, आपके चिकन डिनर नहीं गिना जाएगा। आपको प्लैटिनम पर होना पड़ेगा या प्लैटिनम से अबव होना पड़ेगा। तो मैं कैनियन की ये बिल्डिंग में आ गया। इसमें काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती है। मैं यहाँ पर थोड़ी और लूट लाट करता हूँ। ड्रिंक वगैरह मुझे जो चाहिए, मैं अभी हेल्थ फुल करता हूँ पहले तो अपनी। ये टाइम पास कर रहा था मैं तो। अभी शॉटगन की एमो उठाता हूँ यहाँ। आपको याद रखना, आपको अपना को पिकअप डिसेबल रखना है, नहीं तो आपका करैक्टर कुछ भी उठाया जाएगा। अगर आपने ऑन पर रखा तो आपको बहुत मुसीबत हो सकती है। आपका कभी भी होगा ही नहीं भाई, जो मर्जी कर लो। आपका ऑटो पिकअप हमेशा ऑफ होना चाहिए। अब कभी भी इनेबल करके मत खेला करो। मैं कहता हूँ गेम ही मत खेला करो इनेबल करके, हमेशा डिसेबल करके खेला करो। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा अच्छी तरह, वो देखना कैसे फ़ायदे हैं कैसे नुकसान है उसके। पिकअप हमेशा ऑफ करके खेला करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। वैसे यही था बताना मैंने, पिकअप ऑफ करके खेलना। यहाँ पर दो बोट लड़ रहे थे तो मैं इनको मुक्ति दे देता हूँ। चलो भाई, तो मैं यहाँ पर लूट लट कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी। यहाँ पर भी मेरी हो जाती है लूट लूट कंप्लीट। और मैं उठाता हूँ एक बाइक, बाइक उठा के मैं इस साइड आता हूँ और यहाँ पर कुछ ढूंढता हूँ कि कुछ मिल जाए ड्रिंक वगैरह तो मैं उठा लूँ, बट नहीं यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। तो मैं सीधा अपनी बगी उठाता हूँ, बगी उठा के मैं निकल पड़ता हूँ जोन की तरफ। जोन भी स्टार्ट होने वाला था कुछ सेकंड में। बंदे अब बचे थे सिर्फ 10 में से 9 बंदे थे, एक बंदा मैं था। तो मैं ऐसा करूँगा ना, जब तक 5 बंदे नहीं होंगे तब तक मैं जोन के अंदर नहीं जाऊँगा। जोन स्टार्ट हो पड़ा था
तो मैं जोन के बाहर बाहर से, बिल्कुल बाहर बाहर से, कोने कोने से जोन के अंदर जाऊंगा। जैसे कि देखो अभी मैं जा रहा हूँ पूरा घूम के, ये देखो पूरा जोन घूम के, इधर से वेयर हाउस से घूम के फिर जोन के अंदर निकलूंगा। तब तक बंदे भी कम हो जाएंगे। ये देखो एक और बंदा मर गया स्नाइपर से। ये बंदा काफ़ी जानों को पहल रहा है भाई। मैं जोन के बाहर से इसलिए जा रहा था क्योंकि जोन के बाहर से, जब जब मैं जोन के बाहर रहूँगा तब तक बंदे जल्दी मरेंगे, नहीं तो मैं अभी जोन के अंदर चला गया तो बंदे सारे मेरे पे अट्रैक्ट होंगे, तो मैं जल्दी, मेरी मरने की वो है आशाएं, मेरी जल्दी नहीं आशाएं, मेरी मरने की। तो यहाँ पर वेयर हाउस में पूरा घूम के, कहाँ से आऊँ मैं, ओल्ड बेसन से यहाँ पर घूम के आया, और यहाँ पर मेरा फ्यूल कम हो गया था, मैंने बग्गी चेंज करी यहाँ से, फिर यहाँ से मैं निकल पड़ा जोन की तरफ। यहाँ से सीधा ही पालूँगा मैं। अब बचे हैं गिनती के सिर्फ सात बंदे, जिसमें से कि छः बंदे हैं और एक बंदा हूँ मैं। तो मैं इधर से जा रहा था जोन की तरफ और मुझे एक और बंदा मर गया। बच्चे हैं सिर्फ चार बंदे भाई, चार बंदे बच्चे हैं ओनली, सिर्फ उसमें से तीन बंदे हैं, एक बंदा हूँ मैं। तो मैं पहाड़ी की तरफ आया, कोई है तो नहीं बंदा, बट यहाँ पर कोई होता नहीं है। तो मैं घुमा फिरा के वापसी बग्गी ले जाता हूँ वो सामने वाले दो घरों में। ये जगह काफ़ी सही लग रही थी मेरे को स्टे करने के लिए थोड़ी देर, जब तक के लिए जोन नहीं आ रहा था तब तक के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो मैं लगाता हूँ बग्गी कोने में, लगाता हूँ बिल्कुल ए कोने में, कोई देख ना पाए। तो मैं अंदर घर के अंदर घुसता हूँ, फर्स्ट एड पड़ी थी यहाँ पर, उठा लेता हूँ और कुछ देखता हूँ कि कुछ काम का मिल जाए तो उठा लूँ, ड्रिंक वगैरह। बट मुझे ड्रिंक यहाँ पर घंटा भाई कहीं भी नहीं मिलती ड्रिंक मुझे। फर्स्ट एड ही पड़ी थी फर्स्ट एड के लिए, बट मेरे पास जगह नहीं थी। इतने में थोड़ी देर यहाँ पर मैं देखता हूँ इधर उधर, कोई बंदा बुंदा तो नहीं है यहाँ पर कहीं। बगी स्टार्ट करता हूँ, 6 सेकंड रह गए थे गिनती के जोन आने के। तो मैं बगी पर बैठ गया कि जैसे ही जोन आएगा वैसे ही, तब भी मैं सीधा नहीं जाऊँगा जोन के अंदर, मैं तब भी घुमा के लेकर जाऊँगा, सेंट्रल रोड की तरफ से नहीं जाऊँगा मैं, पीछे वाले जो वेयर हाउस है ना उस साइड से लेकर जाऊँगा अपनी बगी। काफ़ी सेफ जगह है ये, यहाँ पर जहाँ ज़्यादातर बंदे नहीं होंगे। तो मैं कोने कोने से जाऊँगा, एज के जोन के एज से जाऊँगा बिल्कुल जोन के अंदर। गिनती के 3 बंदे बचे हैं, जिसमें से कि 2 बंदे हैं और एक बंदा हूँ मैं। तो मैं आ गया जोन के अंदर, बट अभी भी जोन के बाहर ही था मैं। मैंने बगी यहीं रोक देता हूँ मैं अपनी बगी, बंदे को साउंड ना आ जाए मेरे आने का। तो मैं बगी अपने यहीं रोकता हूँ और इस घर के अंदर घुस जाता हूँ। मुझे लगा ये जोन के अंदर है, बट ये जोन के अंदर नहीं होता, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ता है और मैं आता हूँ सीधे स्कॉट हाउस की ओर। कहीं यार बंदा यहाँ पर कैंप ना कर रहा हो, पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो मैं सीधा आगे की साइड जाता हूँ। यहाँ पर मुझे पेन किलर मिल जाती है, मैं पेन किलर उठा लेता हूँ और लगाने लगता हूँ। एक बंदे को मार दिया था भाई, इस बंदे ने काफ़ी बंदे स्नाइपर से मारे थे, इसका मैंने आपको पहले भी नाम दिखाया था। इसने डबल स्नाइपर यूज़ कर रहा था भाई, डबल स्नाइपर, मुझसे मेरे सामने साला स्नाइपर करेगा देखना। अभी मैं इस साइड को आया, मैंने थोड़ी एमो फेंकी और सामने 2 स्मोक पड़ी थी वो उठा ली। मैंने कहा स्मोक लास्ट जोन में काम आएगी, तो मैंने स्मोक उठा लिया था। तो मैंने जितनी एमो हो सकी उतनी उठा ली। जोन आने वाला था, 4 सेकंड पड़े थे, 3 सेकंड 2 सेकंड और ये यहाँ पर जोन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आगे के जाकर स्मोक को कर यहाँ पर फेंक देता हूँ कि उसका ध्यान भटक जाए कि मैं उस साइड हूँ, बट मैं हूँ तो इस साइड। उसका ध्यान भटकाने के लिए मैंने स्मोक करा था। ये मैं चुपके चुपके से आगे की साइड आया, जोन के अंदर आया।
और वो मेरे को लगा बंदा वेयर हाउस में है, बट बंदा मेरे लेफ्ट में होता है। अभी मुझे साउंड आएगा, AWM चलाता है वो, मुझे तब पता लगता है कि साला वो तो लेफ्ट में है। वो देखो मुझे यहाँ पर पता लगा वो लेफ्ट में है। मैं यहाँ पर TPP ले रहा था, मुझे लगा घर की साइड है, बट वो घर पर नहीं होता, वो ये वॉल के पीछे होता है। ये देखो यार, और इसके पास भाई ये देखो पैन से मारने की कोशिश कर रहा था। हाँ बेटे अब बोल, साला पैन से मारेगा मेरे को। कोई नहीं भाई, चलो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कर ज़रूर बताना। तो मिलते हैं खोर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड पेस आउट। I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.